देखी कैसे स्त्री टू के वजह से लोगों ने खेल खेल में और वेदा मूवी को इग्नोर कर दिया, लेकिन क्यों? और स्त्री टू बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है या फिर फ्लॉप, तो चलिए जानते हैं। देखिए 15 अगस्त को स्त्री 2 के साथ अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा मूवी भी रिलीज हुई थी एक साथ। और यही नहीं, 15 अगस्त को तंगालन, डबल आई स्मार्ट और रघु थाता जैसी तमिल फिल्में भी रिलीज हुई थी, लेकिन आज हम सिर्फ हिंदी मूवीज के बारे में बात करेंगे। देखिए वैसे तो 15 अगस्त को स्त्री 2 नहीं बल्कि पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से पुष्पा 2 को पोस्टपोन कर दिया और पुष्पा 2 की जगह स्त्री 2 रिलीज हुई और लिटरली फैंस स्त्री 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वेल देखा जाए तो स्त्री 2 में मूवी की स्टोरी, विजुअल्स, सॉन्ग्स और कॉन्सेप्ट सब नेक्स्ट लेवल का था। वैसे देखा जाए तो भेड़िया मूवी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज रही। अब मुझे लगा कि स्त्री 2 भी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज होगी, लेकिन स्त्री 2 तो सबका बाप निकला। और सबसे बड़ी बात, स्त्री 2 खेल खेल में और वेदा, इन तीनों ही फिल्मों का एक साथ क्लैश हुआ था। वेल खेल खेल में कॉमेडी मूवी थी, लेकिन कोई भी इस मूवी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस मूवी के बारे में लोग ज्यादातर जानते ही नहीं है और इस मूवी का ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किया। और वैसे भी अक्षय कुमार साल में इतने फिल्में बना रहे हैं कि इनकी फिल्में कब आती है और कब जा रही है ये पता ही नहीं चल रहा। और बात करें खेल खेल में, तो ये मूवी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और इस मूवी ने अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर ली होगी। और वेदा मूवी की बात करें, और ये एक एक्शन और थ्रिल मूवी है जिसकी स्टोरी बेस है द ट्रू इवेंट ऑफ दलित गर्ल के ऊपर। और ये एक एक्शन मूवी होने के बाद भी इस फिल्म की स्टोरी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और इसीलिए वेदा मूवी ने सिर्फ 20 करोड़ कलेक्शन किया है। वैसे खेल खेल में और वेदा, इन दोनों ही फिल्मों की स्टोरी वीक होने की वजह से ही इन फिल्मों को देखने कोई नहीं गया और इसका पूरा फायदा उठाया है स्त्री 2 ने। और देखा जाए तो स्त्री मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कम्पेयर टू दिस मूवीज, और जो VFX इन्होंने दिखाया है वो तो एक अलग ही लेवल है। मतलब 50 करोड़ के बजट में इतना अच्छा VFX बनाया है, और श्रद्धा कपूर की मूवी हो तो कोई कैसे भूल सकता है। बात तो सही है। स्त्री 2 के इन्हीं पॉजिटिव चीजों की वजह से ही खेल खेल में और वेदा मूवी को ऑडियंस ने इग्नोर कर दिया और इन तीनों की रेस में स्त्री 2 ने बाजी मार ली। चलिए अब बात करते हैं कि स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है या फिर फ्लॉप। देखिए स्त्री 2 का बजट था 50 करोड़ और स्त्री 2 ने अपने ओपनिंग डे पे 51 करोड़ कलेक्शन किया था, और डे 1 के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी बड़ा कलेक्शन है। अक्षय कुमार की 5 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन मिलाओगे तो तब भी इतना नहीं होगा। और स्त्री 2 ने वीकेंड कलेक्शन किया है 291 करोड़ का, और स्त्री 2 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 600 करोड़ का। और स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप नहीं बल्कि हिट भी नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हुई है। जस्ट इमेजिन, मूवी में ज्यादा एक्शन नहीं था, सिर्फ कॉमेडी और हॉरर के कॉन्सेप्ट पे मूवी ने 600 करोड़ कलेक्शन किया है। और जरूरी नहीं एक हिट फिल्म बनाने के लिए सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन हो, बस कॉन्सेप्ट और स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। वेल दोस्तों, स्त्री 2 के सक्सेस होने का क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे, फिल्म के मेकर्स को या श्रद्धा कपूर को या फिर तमन्ना भाटिया को? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन दोनों वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए।